आज का दिल के। ओम पवित्र नमः, ओम पवित्र नमः। ऐसे ही पढ़ो, फिर पढ़ना है तो बेकार हो रहा है, टूट रहा है। भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान के एक युवक जो कि शादी कराने वाले दलालों के हत्थे चढ़ गया। राजस्थान के झलवाड़ जिले के निवासी विजय पोरवाल ने बताया कि शादी के लिए 1.5 साल से उसे फोन आते रहे। युवक ने कहा कि उसके एक मित्र हैं जो फ्रॉड हैं, उसने ही यहाँ पर उन्हें बुलाया, 5 लड़कियाँ दिखाई जिसमें से मुझे एक पसंद आ गई। शख्स ने बताया कि मुझे एक चारी पे गए, वह लोग 5 की संख्या में थे। कहलगांव के एक होटल में उस लड़की से मेरी शादी कराई गई। लगभग 6 घंटे तक घुमाया, फिर सब और स्टेशन लाया और हमें टिकट लेने के लिए भेज दिया। इसके बाद लड़की लेकर वे फरार हो गए। युवक ने कहा कि मेरे 3 लाख टोटल खर्च हुए, 1.5 लाख कैश दिया गया, सोने की चेन दी। युवक ने बताया कि भागलपुर में GRP के थाना प्रभारी ने हमें भगा दिया। उसके बाद हमने DIG साहब को फोन किया, फिर सबौर थाना आया। सबौर थाना में मामला सुनाया मैंने। युवक ने कहा कि यह चाहता हूं कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उससे ही कोर्ट में शादी करवा दी जाए, मैं अकेले घर जाना नहीं चाहता। बहरहाल इस मामले में दलालों पर क्या कार्रवाई होती है यह देखना दिलचस्प। आपका नाम क्या है? मुन्ना। पूरा नाम? मुन्ना शर्मा। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। और रहने गांव का नाम क्या है? लखतीपुर। लखतीपुर बिहार जिले, यहाँ जिला कौन सा लगता है? भागलपुर। चलो ठीक है जी। क्या मामला हुआ आपके साथ? लगभग साल भर से, 1.5 साल से मेरे फ़ोन आ रहे थे। मैं राजस्थान जिला झालावाड़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम विजय पोरवाल है, महाजन हूँ, बढ़िया जैन मत पालता हूँ। और फ़ोन आ रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, वहाँ के एक मित्र दलाल ने यहाँ शादी करवाता है यहाँ से उधर राजस्थान में। वो मैं तो काफ़ी फोर्स कर रहे थे वो लोग कि आप शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने बोला, मैंने कि आप लोग फ्रॉड हो, मैं नहीं आऊँगा। भागलपुर मुझे बुलाया, काफ़ी लंबे टाइम से बुला रहे थे, मैं आया और इन लोगों ने मुझे 4-5 लड़कियाँ दिखाई। मुझे सुबोर बुलाया, इधर एक शायरी बुलाया और इधर आगे के जो भी स्टेशन है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बाहर का हूँ। पहली बार मैं भागलपुर आया था। भागलपुर जिले से काफ़ी लड़कियों की शादियां उधर होती है हमारे यहाँ राजस्थान में, या कई जगह होती है। पैसे देकर के लोग शादियां कर देते हैं उधर दलाल के थ्रू। तो मैं भी यहाँ आया था, स्वाभाविक है मेरी एक लड़की जम गई, नहीं चाहते हुए भी मैंने शादी कर ली। ठीक है, मैंने शादी कर ली और उन लोगों ने मेरी शादी करवाई। कल 2 बजे से 3 बजे के बीच में इन लोगों ने शादी करवाई, पहलगाँव करके एक गाँव है, वहाँ एक होटल में। शादी करवाने के बाद ये मेरे को 7-8 घंटे तक, ये लगभग 6 घंटे तक घुमाते रहे। उसके बाद ये सुबह स्टेशन पर ला करके इन लोगों ने मेरे को छोड़ा। जैसे ही मैंने इनको पेमेंट किया और मैं, मेरे को बोला कि आप ट्रेन का टिकट लेके आइए, और इस पीरियड में ये लड़की को सब लेके निकल गए। और इस तरह से मेरे 370,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ। कितना पेमेंट किया आप लड़की? मैंने कैश किया इनको 1.5 लाख रुपया और बाकी सामान दिलाया, सोने की चेन है और सोने की अंगूठी है और चांदी की पायजब है और मंगलसूत्र है सोने का और एक पैर की बिछुड़ी है चांदी की और पायजब भी चांदी की। कुल मिलाकर कितने के थे? लगभग टोटल 370,000 रुपये का मामला है कैश वगैरह मिला के। आप अभी कितने दिन से भागलपुर में घूम रहे हैं? हम लगभग, मेरे को 8 दिन हो गए आए। मैं यहाँ रविवार आया था 26 तारीख को और उसके बाद से हम यहीं हैं। थाने में आवेदन दिया? थाने में आवेदन दिया मैंने यहाँ, और वहाँ मेरा ठीक है, मेरी सुनवाई हुई यहाँ वैसे आज, पर मैंने 2-3 चक्कर काटे यहाँ तब जाके हुई। DIG साहब से बात की और SP साहब को, मतलब मैं मिलने जाने वाला था लेकिन उससे पहले मेरी यहाँ सुनवाई हो गई। मगर मैंने बड़े चक्कर काटे थाने की, वहाँ गया GRP थाना, वो क्या कहते हैं पुलिस, इसके जो रेलवे पुलिस होती है, हाँ RPS, उन लोगों ने मेरे को डांट फटकार के वहाँ से निकाल दिया कि आपकी गलती है, ये है वो है। कहाँ से डांट फटकार निकाली? वहीं से, थाने से, भागलपुर से, GRP वालों ने, थाना प्रभारी ने, और यहाँ पे फिर वापस भेजा इन्होंने। तो यहाँ आया सर ने तो मेरी सुनवाई की, इन्होंने फ़ोन करके मेरे को यहाँ बुलाया,
DIG साहब वगैरह ने बोला, तो फिर मेरी कंप्लेंट वगैरह ले रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उसी से वापस मेरी शादी हो जाए, कोर्ट मैरिज, ताकि मेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, बस मैं यहाँ से मेरे घर जाना चाहता हूँ। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम रूबी बता रही थी वैसे, वो उसका आधार मांगा मैंने, उसका वोटर ID मांगा मैंने, और काफ़ी उसके आधार प्रूफ वगैरह सब मांगे मैंने, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह की कॉपी, लेकिन लोगों ने मेरे को ये टालते रहे कि जल गई। तो ठीक है, मैं वहाँ बनवा लूँगा। ये शादी का क्या क्या सबूत है आपके पास? शादी मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं मंगलसूत्र पहना रहा हूँ, वो वीडियो है इसमें। बाकी फ्रॉड जो संभलित है उसमें क्या? उसमें एक दलाल है कि राम पुकार नाम है उसका, उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास में, उसका स्क्रीनशॉट फोटो है मेरे पास में, मेरे को मोबाइल पे धमका रहा है वो, उसकी काफ़ी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में मोबाइल में, लगभग 50 से 100 रिकॉर्डिंग होगी। आपका नाम? मेरा नाम विजय पोरवाले, फादर नेम पूनमचंद जी पोरवाले, राजस्थान से हूँ मैं, झालरापाटन जिला झालावाड़ा।